भाई आखिर कोई कैसे भूल सकता है फ्री BTS बंडल को। जी हाँ गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने आज से लगभग आप लोगों को 1 से 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हम लोगों को 7th एनिवर्सरी में BTS बंडल रिटर्न पे देखने को मिलने वाले हैं। वक्त ही वक्त है। कहाँ वक्त है भाई, वक्त तो बचा ही नहीं है, ऑलरेडी 7th एनिवर्सरी इवेंट स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को फ्री BTS बंडल का A to Z सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा BTS बंडल कब आएगा, किस इवेंट के अंदर से हम लोगों को BTS बंडल मिलेंगे। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना? हाँ भाई, अपन अभी यही है। तो आज मैं आप लोगों को फ्री BTS बंडल के साथ साथ हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले इमोट पार्टी इवेंट का भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये हुई ना बात। अरे दादा ये तो कुछ भी नहीं है, आज मैं आप लोगों को ओल्ड पीक के रिगार्डिंग कुछ आइटम्स के बारे में बताने वाला हूं। हम लोग बात करेंगे हमारे गेम के अंदर आने वाले ढेर सारे मस्त मस्त से फ्री इवेंट्स के बारे में। भाई इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा है ये वीडियो में। और हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर तो आप सभी लोगों के लिए फ्री डायमंड गिव अवे भी है। तो आप लोग यार बस ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, आज आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ फ्री में डायमंड्स भी मिलेंगे। आइए देख मजा आएगा। हाँ ये गाइस अभी हम लोग सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में। हाँ जी, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर इस पोस्टर को ध्यान से देखो, ये पोस्टर है हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट का पोस्टर। और इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कल 3 जुलाई को पैराफेल का फाइनल शॉट एनिमेशन देखने को मिलने वाला है। आप लोग अभी स्क्रीन पर ये फाइनल शॉट एनिमेशन का रिव्यू भी देख पा रहे होंगे। बहुत मस्त फाइनल शॉट एनिमेशन है जिसको आप लोग पैराफेल के किसी भी गन स्किन के साथ यूज कर सकते हो। राइट गाइस, अभी मैंने आप लोगों को पैराफेल के फाइनल शॉट एनिमेशन के बारे में बता दिया है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले एक रिंग इवेंट के बारे में। हाँ जी, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो नॉस्टैल्जिक आप लोग रिंग इवेंट स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि ये रिंग इवेंट में हमारी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो ब्रांड न्यू आइटम दिख रहे हैं, ये तो हमारे गेम के अंदर पहले आए नहीं है, तो इनमें कैसे कोई याद छुपी हो सकती है। अरे तो भाई ध्यान से देखो, ये जो गन स्किन है, यहाँ पर जो ग्लू वॉल है और साथ ही साथ जो लूट बॉक्स है, इनको एक बार आप देखो तो सही। यहाँ पर जो ट्रोगोन की गन है, ये गन की स्किन में ओल्ड फैक्ट्री है। हम लोगों को ग्लू वॉल में ओल्ड पीक का घर देखने को मिल रहा है, लूट बॉक्स में भी ओल्ड पीक की टूटी हुई घर है। भाई मतलब भाई देखो, 3 आइटम है ये रिंग इवेंट में, तीनों ही बहुत ज्यादा ओल्ड मेमोरीज होल्ड करते हैं, तीनों में ही ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी फेवरेट थी लेकिन गरीना ने हमसे छीन ली। भाई ओल्ड पीक को ना मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। भाई ओल्ड पीक के वो घर जो था ना, सब कुछ मुझे बहुत पसंद था, नया तो भाई बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। खैर जो भी होगा, इस चेंजेस तो होने ही थे और हो भी गए। बाकी ये जो रिंग इवेंट है, इसमें थोड़ी सी यादों के लिए ये आइटम्स आने वाले हैं। अगर यार आप लोगों को ये रिंग इवेंट पसंद आया तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये रिंग इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इसी मंथ जुलाई में आएगा एंड जुलाई की 13 तारीख को ये रिंग इवेंट आने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को रिंग इवेंट पसंद आया होगा। बाकी अभी तो गाइस फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी गाइस मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर में आने वाले इमोट पार्टी इवेंट के बारे में बताता हूँ। जी तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो बहुत ही यूनिक सा इमोट पार्टी इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यही इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इस बार फ्री फायर की 7th एनिवर्सरी में आने वाला है, जहाँ पर से हम लोग काफी कमाल कमाल के इमोट्स को ले पाएंगे। भाई मेन देखे तो 5 रेयर इमोट्स यहाँ पर है, हम लोगों को कुछ और भी इमोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट जो इवेंट का इंटरफेस मुझे मिला है हमारे गेम की फाइल के अंदर, वहाँ पर तो यही 5 इमोट देखने को मिले थे, तो मैंने यहाँ पर रिव्यू में भी आप लोगों को ये 5 इमोट दिखा दिए। अब देखो यार सच बताऊं तो वैसे 5 इमोट में से मुझे तो एक ही इमोट अच्छा लगा, वो है थ्रोन इमोट। एंड मैं जानता हूँ आप लोगों को भी बस थ्रोन इमोट ही पसंद आएगा। हाँ भाई मेरे पास तो थ्रोन इमोट है भी नहीं, तो यार जब ये इमोट पार्टी इवेंट आएगा मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर से थ्रोन इमोट को निकाल लूं, मुझे बहुत पसंद है थ्रोन इमोट। खैर जो भी होगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को ये इमोट पार्टी इवेंट का रिव्यू करवा चुका हूं, इसलिए यार अभी हम लोग ये इमोट पार्टी इवेंट के कंफर्म डेट के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो गाइस देखो जो इमोट पार्टी इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमारे गेम के अंदर इसी मंथ जुलाई की 18 तारीख को आएगा। जी हां गाइस, 18 जुलाई पूरा 100% कंफर्म डेट है ये इमोट पार्टी इवेंट का। तो अभी यार आप लोग रिलैक्स हो जाओ, 18 तारीख का इंतजार करो, 18 तारीख को हमारे गेम के अंदर ये कमाल का इमोट पार्टी इवेंट आ जाएगा। तो ऑलराइट यार, अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक इमोट पार्टी इवेंट का रिव्यू करवा दिया है, इसलिए गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये फिटेड व्हील देखो। इस फिटेड व्हील में यार हम लोगों को टोटल 2 आइटम देखने को मिल रहे हैं। पहला यहाँ पर गाइस हम लोगों को एक अराइवल एनिमेशन देखने को मिल रहा है, जो कि ड्रैगन वाला अराइवल एनिमेशन है, काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिर गाइस यहाँ पर एक स्काईविंग की स्किन है, ये भी ड्रैगन वाली है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये दोनों ही आइटम हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन भाई ये काफी टाइम पहले आए थे एंड अभी यार हम लोगों को कुछ इस तरीके के फिटेड व्हील में ये आइटम्स रिटर्न पे देखने को मिलने वाले हैं। बाकी बात रही कि ये फिटेड व्हील कब आएगा, तो देखो गाइस ये हमारे इंडिया सर्वर के अंदर फिटेड व्हील इसी मंथ की 22 तारीख को आने वाला है। मुझे पता है तुम लोग सोचने लगे होंगे कि यार इतना लेट क्यों आ रहा है, तो देखो भाई इस फिटेड व्हील से पहले भी हमारे गेम के अंदर एक फिटेड व्हील आने वाला है, तो यही कारण है कि यार ये वाला
फिडेट व्हील हमारे गेम के अंदर थोड़ा सा लेट आएगा। बाकी चलो यार अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट फिडेट व्हील के बारे में बता देता हूँ। हाँ जी, तो यार अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये है गाइस हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला नेक्स्ट फिडेट व्हील जो की 4 तारीख को आएगा। और इसके अंदर से हम लोगों को जो की स्क्वाड वाला इसका विंग का स्किन है, इसमें आपका पूरा स्क्वाड बैठ सकता है 4 बंदे। देखो भाई, योगी हमारा नेक्स्ट फिडेट व्हील और इसके बाद आने वाला फिडेट व्हील भी मैंने आपको दिखा दिया है। दो फिडेट व्हील दिखा दिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। बाकी अभी तो गाइस फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस हम लोग बात करते हैं फ्री BTS बंडल के बारे में। लेकिन फ्री BTS बंडल के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखो भाई, मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, एकदम लेटेस्ट अपडेट्स इवेंट्स लेकर आता हूँ, डेली डाटा माइनिंग करता हूँ हमारे गेम की फाइल के अंदर से अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स के लीक्स निकालता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। बट फिर भी यार मुझे आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हो भाई, वीडियो में लाइक ही नहीं आता है। सब्सक्राइबर्स तो दूर की बात है भाई, लाइक तो फ्री में होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक कर दिया करो। तुम्हारे लिए रोज रोज इतना मेहनत करके इतने मस्त मस्त इवेंट ढूंढता हूँ, तुम लोग लाइक नहीं करते हो तो भाई बहुत डिमोटिवेशन मिलता है। इसलिए प्लीज गाइस लाइक कर दिया करो। मैं डेली लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आज बोल रहा हूँ, तो प्लीज यार लाइक कर देना। बाकी ऐसे ही वीडियोस अगर रेगुलर देखने तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड आप लोग ने अभी स्क्रीन पर देखो, क्योंकि ये जो इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो यही है फ्री BTS इवेंट जो कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है। वैसे मैंने आप लोगों को ये इवेंट का रिव्यू आज से पहले भी कुछ 2-3 बार करवा रखा है, क्योंकि ये इवेंट हमारे गेम के अंदर थोड़ा टाइम पहले ही ऐड हो गया था। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये इवेंट हमारे गेम के अंदर 7th एनिवर्सरी में आएगा। तो अभी यार 7th एनिवर्सरी इवेंट स्टार्ट हो चुका है। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को इस इवेंट के बारे में बताता हूँ और बताता हूँ कि ये इवेंट कब आएगा। हाँ जी, तो गाइस देखो, एक तरीके का टोकन एक्सचेंज इवेंट है जहाँ से हम लोग BTS बंडल को एक्सचेंज करके ले सकते हैं। इवेंट बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप लोगों को टोकन चाहिए होगा, फिर आप लोग टोकन से डायरेक्टली BTS बंडल को ले पाओगे। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को एक चीज पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हम लोगों को कोई सा बंडल 5 टोकन से मिल रहा है, कोई 10, कोई 15, इस तरीके से मिल रहा है। लेकिन गाइस जब ये इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आएगा तो हम लोगों को सभी बंडल सिर्फ 1 टोकन से एक्सचेंज करने पर मिलेंगे। लेकिन ट्विस्ट यही है कि भाई हम लोगों को एक ही टोकन मिलने वाला है। यहाँ गाइस हमको एक ही टोकन मिलेगा जिससे एक्सचेंज करके हम लोग कोई सा भी बस एक बंडल ले पाएंगे। बाकी गाइस अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों को टोकन कैसे फ्री मिलेगा। हाँ जी, तो गाइस जब ये BTS इवेंट आएगा उसी टाइम पे हम लोगों को हमारे गेम के अंदर एक और इवेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लोगों को 2000 डायमंड स्पेंड करने के बदले में 1 टोकन मिल रहा होगा। हाँ गाइस, पिछली बार भी हमारे गेम के अंदर जब BTS बंडल आए थे तो ऐसा ही हुआ था, एंड इस बार भी सेम होने वाला है। 2000 डायमंड आप लोग स्पेंड करोगे किसी भी इवेंट वगैरह में स्पेंड कर सकते हो, फिर आप लोगों को एक टोकन मिलेगा एंड आप लोगों को टोकन से एक्सचेंज करके BTS बंडल को ले पाओगे। भाई इवेंट बहुत सिंपल है, बस टोकन कलेक्ट करो, अपना मनपसंदीदा कोई सा भी बंडल एक्सचेंज करके ले लो। बाकी BTS बंडल की हाइप तो यार तुम पूछो ही नहीं, BTS बंडल हमेशा ही हाइप में रहते हैं। इसीलिए गाइस अभी हम लोग बात करते हैं कि ये BTS बंडल आखिर हम लोगों को कब फ्री मिलेंगे, यानी कि ये जो BTS वाला इवेंट है कब हमारे गेम के अंदर आएगा। तो गाइस देखो, आजकल जो हमारे गेम के अंदर एनिवर्सरी इवेंट आता है वो 2 पोर्शन में आता है, पहला चलता है जुलाई में, दूसरा चलता है अगस्त में। तो देखो गाइस, ये जो जुलाई मंथ का एनिवर्सरी इवेंट है, इसके फ्री इवेंट्स वगैरह हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। हमारे गेम के अंदर एनिवर्सरी स्पेशल इंटरफेस एंड और भी बहुत सारी चीजें आई हैं। लेकिन ये जो BTS बंडल है ये थोड़ा सा लेट आने वाला है। हां गाइस, ये जुलाई मंथ की एंडिंग में हम लोगों को BTS इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम पे भाई जो लीक्स वगैरह निकल के आ रही है उनके अकॉर्डिंग तो हम लोगों को ये जुलाई मंथ की एंडिंग में वही कुछ 22 या फिर 23 तारीख के आसपास हमारे गेम के अंदर फ्री BTS इवेंट देखने को मिलेगा। तो भाई अभी आप लोगों को BTS इवेंट के थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, इवेंट बहुत ज्यादा रेयर है, इंतजार करना तो बनता है। खैर अभी गाइस मैं आप लोगों को BTS इवेंट के रिगार्डिंग सब कुछ बता चुका हूँ, मैंने आप लोगों को BTS इवेंट का रिव्यू करवा दिया, कैसे इवेंट वर्क करेगा ये भी बता दिया, और हाँ ये इवेंट कब आएगा ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसलिए गाइस अभी ना हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले 1 Punch Man कोलैबोरेशन रिटर्न के बारे में। हाँ गाइस, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, जब हमारे इंडिया सर्वर के अंदर OB अपडेट आने वाला था उस टाइम पे हमारे गेम की फाइल के अंदर 1 Punch Man के सभी आइटम्स ऐड हुए थे, मैंने आप लोगों को ये रिव्यू भी करवाया था। तो देखो भाई, मैं तो सोच रहा था कि अपडेट के बाद हमारे गेम की फाइल के अंदर से 1 Punch Man कोलैबोरेशन के आइटम्स रिमूव हो गए होंगे, बट भाई जब मैंने आज हमारे गेम की फाइल को चेक करा तो मुझे ये हमारे गेम की फाइल के अंदर ही मिले। यानी कि गाइस जो 1 Punch Man कोलैबोरेशन की थीम के आइटम्स है ये हमारे गेम की फाइल के अंदर अभी भी अवेलेबल है। एंड ये चीज जो यार मैंने आप लोगों को लाखों बार बता रखी है कि गरीना हमारे गेम की फाइल के अंदर बस वही आइटम या फिर वही इवेंट की PNG वगैरह ऐड करता है, रिव्यू वगैरह ऐड करता है जो आइटम हमारे गेम के अंदर आने वाला होता है। तो अब क्योंकि यार हमारे गेम की फाइल के अंदर अभी के टाइम पे 1 Punch Man कोलैबोरेशन की थीम के सभी आइटम्स अवेलेबल हैं, तो गाइस इसका साफ सीधा मतलब है कि हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर बहुत जल्द 1 Punch Man कोलैबोरेशन रिटर्न पे देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, 1 Punch Man कोलैबोरेशन वैसे तो फ्री फायर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोलैबोरेशन है। 1 Punch Man थीम का MT-87 ग्लू वॉल बंडल इमोट सब कुछ ही काफी ज्यादा रेयर भी है। तो ऐसे मैं जानता हूँ
हूँ यार, ये आइटम्स वगैरह का रिव्यू देख के आप लोग एक ही चीज सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये आइटम हमारे गेम के अंदर कब और किस इवेंट में आएंगे। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को हमेशा ही रियलिटी बताता हूँ, जो सच होता है वही बताता हूँ। तो अभी आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो यार। आज मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर ये वन पंच मैन कोलैबोरेशन थीम के आइटम्स वगैरह मिले। फिर मैंने भाई काफी ज्यादा कोशिश करी कि इनका कोई इवेंट वगैरह या फिर कोई पोस्टर वगैरह मिले, लेकिन भाई स्टिल मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर वन पंच मैन कोलैबोरेशन का कोई पोस्टर नहीं मिला, कोई भी इवेंट नहीं मिला। तो ऐसे में यार ये बता पाना कि ये वन पंच मैन कोलैबोरेशन कब आएगा, किस इवेंट में ये सारे आइटम आएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोग भाई थोड़ा सा इंतजार करो। वैसे आज मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर से वन पंच मैन कोलैबोरेशन के आइटम मिले हैं। ऐसे मुझे लगता है बहुत जल्द करीना हमारे गेम की फाइल के अंदर वन पंच मैन कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग कुछ और भी लीक सेट करेगा, जैसे कि इनका पोस्टर या फिर कोई भी इवेंट ऐड कर सकता है। तो भाई मैं आप लोगों को वन पंच मैन के बारे में सब कुछ बता दूंगा, बट अभी के लिए जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो यही है कि आज मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर से वन पंच मैन कोलैबोरेशन के सभी आइटम्स मिले। आइटम्स मिले तो इतना कंफर्म है कि ये पूरा कोलैबोरेशन रिटर्न आएगा। बाकी बात वही है, थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको इसका कंफर्म डेट, कंफर्म इवेंट वगैरह भी बता दूंगा। लेकिन अभी गाइस आज की वीडियो मेरे पास वन पंच मैन कोलैबोरेशन का यही इंफॉर्मेशन था। तो अभी यार हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं आप लोगों के लिए एक छोटे से गिव अवे के बारे में। तो देखो गाइस, वैसे तो मैं डेली डायमंड गिव अवे करता रहता हूं, बट आज का गिव अवे बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आप में से किन्हीं 10 लोगों को हजार हजार डायमंड देने वाला हूं। जी हां गाइस, आप लोगों ने एकदम सही सुना, आज आप लोगों के पास एक मौका है फ्री में 1000 डायमंड लेने का। तो ये जो विनर्स हैं भाई, कल इनके नाम में अनाउंस करूंगा और इनको मैं गिव अवे का भी प्रूफ कल दूंगा। जी हां गाइस, कल के वीडियो में प्रूफ वगैरह, विनर्स वगैरह सब होंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे गिव अवे को जीत सकते हो। देखो गाइस, हमेशा की तरह मैं विनर्स को पिक करूंगा रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट के अंदर से। तो इसलिए अगर आप लोग जीतना चाहते हो तो आप लोगों को आज ढेर सारे कमेंट्स करने होंगे। और हाँ, ध्यान रहे, जो भी विनर्स होते हैं मैं उनको उनकी यूआईडी में टॉप अप देता हूँ। तो भाई आप लोग जो भी कमेंट करो उसके साथ अपना यूआईडी जरूर देना, क्योंकि भाई रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट में जो भी कमेंट मैं पिक करूंगा, उस कमेंट में जो भी यूआईडी होगा, वही यूआईडी में मैं टॉप अप भेजने वाला हूँ। तो ध्यान से जाओ, कमेंट करो और कमेंट के साथ यूआईडी जरूर देना। बाकी गाइस, विनर्स कल अनाउंस होंगे, कल ही सभी को डायमंड भेजूंगा, प्रूफ वीडियो में आ जाएगा। जेन्युइन तरीके से रियल गिव अवे हमेशा मैं करता हूँ और आज भी जेन्युइन गिव अवे होगा। तो अगर आप लोग जीतना चाहते हो दबा के कमेंट करो, कमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। बाकी अभी यार मैंने आप लोगों को इवेंट्स एंड अपडेट्स गिव अवे सबके बारे में बता दी है। तो हम लोग यार ये वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।